एवरीवन नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण युति के बारे में, एक कंजंक्शन के बारे में जो इस समय जोडिया के अंदर बना हुआ है। और ये जो कंजंक्शन है ये मंगल और बुध का गोचर है, मंगल और बुध का कंजंक्शन है। मंगल और बुध जो है इस समय धनु राशि के अंदर दोनों बैठे हुए हैं, और इस समय मंगल और बुध की जो डिग्री है वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। मंगल जो है वो 24 डिग्री धनु के अंदर बैठे हुए हैं और जो बुध है वो 25 डिग्री में आकर मंगल को क्रॉस करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये जो कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन की वजह से क्या क्या हमारी लाइफ के अंदर हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके ऊपर ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए, अभी क्या है कि धनु राशि के अंदर जैसे हमने बात करी कि मंगल पहले से विराजमान है और बुध भी इसी राशि के अंदर, धनु राशि के अंदर है। अभी जो मंगल और बुध है वो एक दूसरे को डिग्रीकली क्रॉस करने वाले हैं, और कल जो मंगल और बुध है एक दूसरे को डिग्रीकली क्रॉस कर देंगे, यानी कि जीरो डिग्री जो है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे, मंगल और जो बुध होंगे। तो देखिए, जो अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से बात करें तो जो बुध होता है वो हमारी बुद्धि का कारक होता है, हमारा जो इंटेलिजेंस होता है उसका कारक बुध ग्रह होते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे मंगल ग्रह होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मंगल ग्रह थोड़ा सा एजिटेशन, एंजाइटी, लड़ाई और थोड़ा सा इस तरह का वायलेंस, इन सब चीजों को डिनोट करते हैं। क्योंकि मंगल की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी अग्रेसिव काइंड ऑफ एनर्जी है, और मंगल की जो एनर्जी है थोड़ी सी हीटेड एनर्जी, एग्रेसिव काइंड ऑफ एनर्जी है। और मरकरी बुद्धि के कारक है, बुद्धि के हमारे जो बुद्धि को कंट्रोल करते हैं मरकरी है। तो कहीं ना कहीं ये जो समय है, आने वाला जो एक समय है, यानी कि बात करें 29 तारीख से लेकर जो 5 फरवरी तक का जो समय रहेगा, तो ये समय जो बुद्धि है वो काफी एग्रेसिवली हमारी काम कर सकती है। बुद्धि के अंदर हमारे एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर थोड़े से एग्रेसिव टाइप के थॉट्स आना, हीटेड टाइप के थॉट्स आना, और हो सकता है कि हमारे किसी से लड़ाई हो सकती है, हमारी आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो अगला एक हफ्ता जो है वो हमें पूरे विश्व के ऊपर काफी ज्यादा ब्रेकअप्स देखने को मिल सकते हैं। अब ब्रेकअप जो है वो हमें बिजनेस पार्टनर्स में, यानी कि पार्टनरशिप के ब्रेकअप्स भी देखने को मिल सकते हैं, और हमें लव लाइफ के अंदर भी ब्रेकअप्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये जरूर हमें अपनी लाइफ के अंदर हमें याद रखना है कि आने वाले एक हफ्ते में किसी से भी, किसी भी तरह की लड़ाई करने से बचना है, किसी के साथ भी हीटेड आर्ग्यूमेंट करने से बचना है, किसी के साथ भी एग्रेसिव टॉक करने से हमें बचना है। अगर हम किसी रिलेशनशिप के अंदर है या अगर हमारे मैरिज भी हो गई है तो फाइट हमें बिल्कुल नहीं करनी है। बिजनेस पार्टनर के साथ में हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ में तू मैं हमारी हो सकती है, तो हमें उसे अवॉइड करते हुए चलना है। क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे जो ओवरऑल एक डायनामिक्स है हमारा, यानी कि हमारा जो अपोजिट जेंडर के साथ में कम्युनिकेशन है, रिलेशनशिप है, या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ जो भी रिलेशन है, उसके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा हमारे लिए नहीं रहेगा। एक हफ्ते तक ये सिचुएशन बनी हुई रहेगी, क्योंकि जब बुध ग्रह है वो मंगल को क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करके जब 3 या 4 डिग्री से ज्यादा इनका डिफरेंस जब हो जाएगा, तो धीरे धीरे माइंड के अंदर एंजाइटी वाले थॉट्स आना और हमारे थोड़े से अग्रेसिव थॉट्स आना, हीटेड थॉट्स आना कम हो जाएगा। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए, किसी के साथ भी लड़ाई करने से बचिएगा, किसी के साथ भी किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट करने से बचिएगा। इस समय जो आने वाला एक हफ्ता है, लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन इस समय आप ना ले तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो डिसीजन आप लेंगे ये इम्पल्सिव डिसीजन होगा, यानी कि आपके माइंड के अंदर देखिए थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ा हुआ रहेगा, हीट बढ़ी हुई रहेगी। ऐसे में जो बुद्धि डिसीजन लेगी वो उतने हम अनबाइस नहीं कह सकते, यानी कि बाइस डिसीजन होंगे, और वो डिसीजन हो सकता है हमें आगे चल के थोड़ा सा नुकसान पहुंचाए। तो इस समय जो भी डिसीजन हम लें, उन डिसीजन को पूरा सोच समझ कर ही हमें डिसीजन लेने चाहिए, और कोई भी गलत डिसीजन लेने से हमें बचना चाहिए। कहीं ना कहीं जो एजुकेशन का सेक्टर है हमारा, एजुकेशन सेक्टर भी इससे सफर हो सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का अपने स्कूल में हो सकता है कि थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर हो जाए, एग्रेशन देखने को मिले। कहीं ना कहीं जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनके साथ में रिलेशन हमारा थोड़ा सा आगे पीछे होता हुआ देखे, क्योंकि मंगल और बुध जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो इस तरह का हमें थोड़ा सा हमारा मैरिटल रिलेशन हो गए, लव लाइफ हो गई, हमारे बिजनेस पार्टनर के साथ में रिलेशन हो गए, हमें बच के रहना चाहिए। ऑफिस में किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट हमें नहीं करना है, बॉस के साथ में बॉस जो बोले सुन लीजिए, बॉस को पलट के आर्ग्यूमेंट ना करिए। ऑफिस में जो कलीग्स हैं उनके साथ में किसी भी तरह की बैड टॉक या फिर किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट ना करिए। और तो इस
तरह का जो सिचुएशन है, जो टाइम है, एक हफ्ता पास हो जाए उसके बाद हम अपना जो नॉर्मल जब हमारा माइंड हो जाएगा उसके बाद कोई बड़ा डिसीजन लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये हमारा आज का एक बहुत ही स्पेशल हमने टॉपिक को कवर किया है। थोड़ी सी रेमेडीज की बात भी कर लेते हैं। तो देखिए, एक हफ्ते तक कुछ रेमेडीज अगर हम फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हम बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, साथ में गणेश जी की उपासना करेंगे तो भी उससे बुध ग्रह हमारे मजबूत होते हैं। कुछ भी हम धार्मिक पुस्तकें अगर एक हफ्ते तक पढ़ते हैं तो उससे भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। जैसे भगवद गीता पढ़ सकते हैं, सुंदर कांड पढ़ सकते हैं, हनुमान जी का हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं। कुछ भी अगर हम थोड़ा धार्मिक पुस्तकें वगैरह एक हफ्ते तक पढ़ेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। मंगल ग्रह को शांत करने के लिए मंगल ग्रह का बीज मंत्र हम पढ़ सकते हैं और मंगल के लिए हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। एक हमने कल एक वीडियो बनाया था ज्योतिष कहानियां और उपाय का, जिसमें मंगल की हमने बहुत अच्छी रेमेडीज की बात करी है, तो वो भी हम जरूर देख सकते हैं जाकर। तो ये कुछ उपाय हम करेंगे तो हमें जरूर लाभ होगा मंगल के उपाय के लिए। देखिए, अगर हम अगले एक हफ्ते तक अगर हम देखिए जमीन पे अपना ज्यादा हम कुछ काम कर रहे हैं तो बैठ के जमीन के ऊपर बैठ के काम करें, क्योंकि देखिए मंगल भूमि को डिनोट करता है। खाना खा रहे हैं तो जमीन पर बैठ के खाना खा सकते हैं। अगर हम सो रहे हैं और अगर हमारे क्लाइमेट अगर सही है तो जमीन पे हम सो भी सकते हैं, मतलब चद्दर बिछा के, हम गद्दा बिछा के जमीन पे सोएं, तो इससे भी मंगल की जो एनर्जी है काफी ज्यादा बैलेंस होती है। और जितनी हम मंगल की एनर्जी को बैलेंस करेंगे उतना ही ज्यादा जो हमारा माइंड है वो हमें अच्छे से पॉजिटिव हमें आउटपुट देगा, पॉजिटिव हमें रिजल्ट्स देगा। तो ये सब अगर हम रेमेडीज फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमें लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का जो टॉपिक है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में और जो हमारा नीचे प्लेलिस्ट आपको दिखेगी वीडियोस में, हमने जुपिटर के 12 भाव में फल का बहुत अच्छा वीडियो एक बनाया था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, वो जाकर आप देख सकते हैं। राहु कैसा हमारी कुंडली के अंदर बिहेव करता है वो वीडियो भी हमने बनाया था। और स्टॉक मार्केट की 1.5 घंटे की पूरी हमने यहाँ पर एक क्लास बनाकर डाली हुई है, तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो नीचे जाकर देख सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करिएगा। और इसी के साथ में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।